हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये प्लान दोनों भाइयों के लिए बनाया गया 50 फीट बाय 34 फीट प्लॉट के ऊपर, और ये प्लान मिड पॉइंट से डिवाइडेड है। इसके दोनों साइड आपको 3 BHK मिलेगा, और इस प्लान में आपका एंट्रेंस यहाँ से होगा स्टेयर के नीचे से। इस डोर का साइज है 4 फीट। इस स्टेयर केस का फर्श जमीन से 6 इंच की ऊंचाई पर है, और आपका घर का फर्श जमीन से 2.5 फीट की ऊंचाई पर है। इसलिए यहाँ पर मैंने 5 राइजर दिए। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा, यह आपका फर्स्ट राइजर। और इस डोर से अंदर आते ही यहाँ पर आपको और 4 राइजर यानी 3 स्टेप दिखाई देंगे। ये तीनों स्टेप कवर करते ही आपको ड्राइंग रूम मिलेगा। इस ड्राइंग रूम का साइज़ है 13 फीट बाय 13 फीट 8 इंच। इस ड्राइंग रूम के दाहिने तरफ है आपका सिटिंग एरिया, और यहाँ पर डाइनिंग, और यहाँ पर है टीवी यूनिट, और यहाँ पर मैंने दिया बेसिन, और ये है आपका फर्स्ट बेडरूम का डोर। इस डोर का साइज़ है 3 फीट, और ये रूम 11 फीट बाय 13 फीट 3 इंच का होगा। इस बेडरूम के साथ आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट। इस डोर का साइज़ है 2.5 फीट, और ये टॉयलेट 3 फीट 3 इंच बाय 5 फीट 10 इंच का होगा। इस रूम से बाहर आते ही दाहिने तरफ है आपका किचन। इस डोर का साइज़ है 2.5 फीट, और ये किचन 5 फीट 1 इंच बाय 9 फीट 4 इंच का होगा। इस किचन में मैंने ओवन यहाँ पर दिए, और यहाँ पर बेसिन, और यह आपका किचन का वर्किंग एरिया, और यहाँ पर एक विंडो 2.5 फीट का होगा। इस किचन से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका सेकेंड बेडरूम। यहाँ पर है आपका सेकेंड बेडरूम का डोर। इस डोर का भी साइज़ है 3 फीट, और ये रूम 11 फीट बाय 13 फीट 3 इंच का होगा। इस रूम से बाहर आते ही बाई तरफ है आपका थर्ड बेडरूम का डोर। इस डोर का भी साइज़ है 3 फीट, और ये रूम 13 फीट बाय 9 फीट 4 इंच का होगा। आप देखते हैं आपका कॉमन टॉयलेट। यहाँ पर है आपका कॉमन टॉयलेट का डोर। इस डोर का साइज़ है 2.5 फीट, और ये टॉयलेट 6 फीट 11 इंच बाय 5 फीट 10 इंच का होगा। इस कॉमन टॉयलेट के पीछे है आपका अटैच टॉयलेट। इस अटैच टॉयलेट में लिंटन लेवल पर अगर आप एक्स्ट्रा रूम देंगे तो इस टॉयलेट का वेंटिलेशन यह सा हो जाएगा। अब देखेंगे आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस का साइज़ है 7 फीट 3 इंच बाय 9 फीट 4 इंच। 9 फीट 4 इंच यह से लेकर यह तक होगा, और इस स्टेयरकेस में आपका आप यह से होगा। यह आपका फर्स्ट आइजर, और ये फर्स्ट आइजर यह से 6 फीट 1 इंच की दूरी पर स्टार्ट होगा। और आपका स्टेयर का चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच, और इस लैंडिंग का भी चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच। इस स्टेयरकेस में सिर्फ सेकेंड लैंडिंग का 1 फीट 9 इंच हिस्सा बाहर रहेगा। इस स्टेयरकेस में टोटल 22 राइजर है। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा, तो आपका घर का हाइट होगा 11 फीट। इस घर के फर्श से लेकर रूफ के टॉप लेवल तक। अब देखते हैं फ्लैट बी। फ्लैट बी में आपको वही मिलेगा जो फ्लैट ए में था, सेम डायमेंशन के साथ। इस प्लान का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी डायमेंशन के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।